नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G32 वर्सेस Samsung Galaxy A4 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G32 में 6.37 इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G32 में 2.91 इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G32 में 184 ग्राम जबकि Samsung Galaxy A4 में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G32 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G32 में IPS LCD जबकि Samsung Galaxy A4 में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G32 में 1080x2400 और Samsung Galaxy A4 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G32 में 85.48% जबकि Samsung Galaxy A4 में 80.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G32 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A4 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G32 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy A4 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G32 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Samsung Galaxy A4 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G32 में Adreno 610 जबकि Samsung Galaxy A4 में Mali G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G32 में Qualcomm Snapdragon 680 और Samsung Galaxy A4 में Samsung Exynos 850 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G32 में 128GB जबकि Samsung Galaxy A4 में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G32 में अप टू 1TB जबकि Samsung Galaxy A4 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G32 में 2 कलर्स जबकि Samsung Galaxy A4 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G32 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Samsung Galaxy A4 की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G32 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A4 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G32 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G32 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 SE है, दूसरा Samsung Galaxy F13 है, तीसरा Realme C35 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।